हेलो व्यूअर्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक उम्मीद करती हूं आप जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। और पहले तो मैं आपसे माजरत करती हूं कि मैं लोग अपना व्लॉग नहीं बना सकती क्योंकि हमारे यहाँ कल सारा दिन लाइट नहीं थी और गर्मी की तो कोई इंतहा नहीं थी, जिसकी वजह से मेरे सर में शदीद दर्द था और तबीयत भी ठीक नहीं थी, थोड़ा सा फीवर भी हो गया था, इस वजह से मैंने अपनी वीडियो नहीं बनाई। तो आज सुबह ही मैंने काम करते होगी और मैंने कहा सबसे पहले मैं अपनी वीडियो भी स्टार्ट करती हूँ। और आप लोग सब कैसे हैं? और आज भी हमारे यहाँ सुबह से पानी नहीं है, यहाँ बहुत मसला है पानी का, क्योंकि ट्यूबवेल का पानी है, कभी आता है कभी नहीं आता, वो टाइम से खोलते हैं, इसी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हुई भी थी, सुबह से उसी में लगे हुए थे। सफाई कर लूँ, सारे झाड़ू वगैरह निकाल के पोछा वोछा लगा लूँ। हाँ, ये देखें, अभी मेरी मिसेज ने सारा झाड़ू दे दी और सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम में सूरज देखे कितनी तेज़ हुआ हुआ है, तो इन्होंने कहा कि चले मैं घर की सारी सफाई वगैरह कर लूँ, तो उसके बाद चलते हैं। मेरी साली जो मतलब इनकी सिस्टर है, बड़ी बाजी है इनकी, तो उनके घर की तरफ ही जाने के लिए कह रहे हैं, चक्कर लगा के आते हैं, मुलाकात करके आते, कई दिन हो गए मुलाकात नहीं, तो ये सारी सफाई इन्होंने। सुबह के टाइम और सूरज कितना नीचे आया हुआ है, गर्मी की कोई इंतहा नहीं और यहाँ सहूलत कोई भी नहीं है, हमारा छोटा सा घर बिल्कुल बंद है, ताज़ा हवा का कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर, ये सारा छोटा सा ये घर है बस, और ये जो हिस्सा है ये किसी और का है, घर वालों का, हम लोग सिर्फ इस पोर्शन में है जिस पोर्शन पे ये खड़ी हुई है, बस छोटा सा पोर्शन दिया है अल्लाह ने, बस गुजारा कर रहे हैं, गर्मी तो बहुत है, अभी देखते जाते हैं इनकी सिस्टर की घर की तरफ, मुलाकात करते हैं फिर आपसे। हेलो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने आपसे जैसे बताया था कि हमारे यहाँ आज पानी नहीं है, और देखें कि मेरे हस्बैंड कितनी दूर से पानी भर के ला रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल पानी नहीं आया। एक तो घर छोटा है, पानी भरने की जगह नहीं है भर के रखने के लिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी हम लोग भरते हैं, और अभी भी पीने का पानी भरा और अभी हमने कुछ ये पानी भर के यहाँ पर रखा है ताकि हम लोग इस्तेमाल कर सकें। गर्मी देखें और इतनी दूर से मेरे हस्बैंड पानी भर के लेकर आ रहे हैं। हाँ हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? बस अभी हम तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि मैं रेडी हो गई हूँ, फ्रेश हो गई, मेरे हस्बैंड ने पानी भरा तो हम लोग सारे रेडी हुए, फ्रेश हुए, वो हम अपनी बहन के घर जा रहे हैं और मैं दरवाज़ा लॉक करती हूँ। मेरे हस्बैंड वो सामने खड़े बाइक स्टार्ट करने लगे, अरे रुको तो सही, ग्लासेस लगाने में धूप बहुत तेज है, आप आ जाए मेरी तरफ पट्टी नहीं थी। तो व्यूअर्स अभी हम चलने लगे और रास्ते में भी दिखाते हैं, हम अपनी टाइम के साथ जा रहे हो, हम अपनी बाइक स्टार्ट कर दी और हम जा रहे हैं, रास्ता आप देख सकते हैं। हम अपने इलाके से निकल कर आ गए हैं और अपने इस मेन रोड पर आ गए हैं इलाके से बाहर, अभी जो है ये सड़क रोड की तरफ हम जा रहे हैं, ये जो मेरी साली साहिबा का जो घर है वो सदर के एरिए में घर है उनका, मेरी साली साहिबा का, अभी अपने अपने इलाके से निकल के सड़क रोड की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सारी व्यूज़ दिखाते रहता हूँ यहाँ के रोड के, और ये हमारे इलाके का स्वाती फाटक कहलाता है, इलाका रोड स्वाती फाटक है यहाँ का, अभी हम लोग सारी रास्ते के लिए आपको व्यूज़ दिखाते हुए देख जा रहा हूँ, आप भी देखते रहे लुफानंदोज़ इस चीज़ से। हमारे इलाके से हम सीधा सड़क रोड पर आ गए हैं, बड़ा रोड के लाते हैं वैसे तो ये, लेकिन आगे जाके जो है वो सदर स्टेडियम चौक आ जाएगा, स्टेडियम चौक आ जाएगा। अभी देखें ये सारा ये हमारे इलाका जो है इधर का अस्करी इलाके, यहाँ की पिशावर की अस्करी अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बड़ा अच्छा खूबसूरत इलाका है, सरसब्ज है, ग्रीनिश है सारी, और व्यूअर्स ये हमारा पेशावर का स्टेडियम जो है कज़ाफी स्टेडियम दिखाता है, ये बहुत
और व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पेशावर का स्टेडियम जो है और ये साथ ही ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये बीआरटी स्टेशन के पुल है। यहाँ से बीआरटी रेल चलती है, तो यहाँ पर बस हमारी चलती है बीआरटी की। और अभी हम मेन सदर पे पहुँच चुके हैं आपको, और आप भी देखिए कि हमारा शहर कैसा है। ये है मेन सदर रोड व्यूअर्स, ये देखिए ये हमारा मेन सदर बाजार है। और इस वक्त दोपहर का टाइम है, गर्मी आप देख सकते हैं कितनी है, इसमें इतनी रश भी नहीं है। ये और ये हमारे सीधे हाथ पे जो है मोबाइल मार्केट है, बहुत बड़ी। ये देखिए इस बार मोबाइल मार्केट से यहाँ की सदर की मेन सदर बाजार और ये तख्तो जमात है पेशावर की, जगह है अभी इसको तख्तो जमात कहा जाता है। इससे हम लेफ्ट को जाएंगे तो यहाँ पे एक बहुत मशहूर जानी खान आ जाती है, बहुत मशहूर है यहाँ पे सदर की। तमाम लोग सदर जो आते हैं तो यहाँ पे आइसक्रीम का लुत्फ़ ज़रूर लेते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं इस आइसक्रीम शॉप को। ये बहुत मशहूर शॉप है, देखें ये अरबाब रोड कहलाता है सदर का, और खूबसूरत व्यूज़ है यहाँ के, बहुत मेन बाज़ार है हमारे यहाँ का, बहुत अच्छा बाज़ार है पेशावर सदर का। तो अभी यहाँ से हम जाएंगे ऊपर अरबाब रोड से अपने शादी घर की तरफ जाएंगे हम लोग अभी। ये नैनो भाइयों, ये जो है यहाँ का पेशावर क्लब कहलाता है पेशावर के अंदर, बस यहाँ से नज़दीक ही मेरी साली का घर है। हम लोग अभी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, बिल्कुल नज़दीक है, उनके इलाके में दाखिल हो जाएंगे। और ये सेंट जॉन्स स्कूल है यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ से अभी हमने ये यू टर्न लेना है, यू टर्न ले के हम लोग जो है अपने पहुँच जाएंगे सिस्टर के घर पे, बस अभी यहाँ पे पहुँचना है। फाइनली अपनी बहन के घर पहुँच चुके हैं, और ये सामने आगे की गली में मेरी बहन का घर है। फाइनली व्यूअर्स, हम अपनी बहन के घर पहुँच चुके हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ गली में मेरी बहन का घर है। फिर हम अपनी बहन के घर आपसे मिलते हैं, ठीक है। इसमें मैंने वीडियो नहीं बनाई, अब हम मैं आई हूँ तो मैंने कहा चले आपसे बैठ के कुछ बात कर लेते हैं। तो आते ही मैंने कहा थोड़ा सा काम था अपने घर का, वो कर लिया था, करती हूँ। और आपसे फिर एक दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद होगी और हमारा शहर पसंद आया होगा। कल आपसे एक अच्छी सी वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।